going to teach you about the exercise 2.2 question number 1 and question number 2 of chapter number 2 polynomial for standard 10 math subject. Let's start question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials. We have to find zeros of the given quadratic polynomial. This is the quadratic polynomial. So that there is a number of zeros is 2. तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो पॉलीनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस फाइंड करना है, ठीक है. फिर एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. उसके जीरोस तो हम लोगों को मिल गया और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोगों को वेरीफाई करना है. वो रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस, जो जीरो मिलेंगे उसका सम करोगे इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हो गई उसकी रिलेशनशिप. दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो भी जीरोस है उसका प्रोडक्ट मिलेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जो कॉन्स्टेंट है टर्म है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है. हम लोगों को वेरीफाई करना है. सबसे पहले वी हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. This is a 8 multiplied by 1 multiplied by minus 8, it will be minus 8. तो हम लोगों को ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मुझे माइनस 8 मिले और एडिशन करूँ तो मुझे मिले माइनस 2. तो क्या होगा? 4 टू ज़ा 8, ठीक है. तो माइनस 4 प्लस 2 में यहाँ पे मैं रख रही हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस 2x, ठीक है. माइनस 2x के प्लस पे मैं रखूँगी माइनस 4x प्लस 2x, इस तरह से. यहाँ से x कॉमन निकलेगा फर्स्ट टू टर्म में से, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा लास्ट टू टर्म में से, ठीक है. इस तरह से यहाँ पे से आप लोगों को मिलेगा x माइनस 4 कॉमन, यहाँ से निकलेगा x माइनस 4 कॉमन. क्या बचेगा देखते चलो. यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकला तो क्या बचा? x प्लस. यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकला तो क्या बचा? 2, x प्लस 2. नाउ this is the zeros of the given polynomials. X is equal to 4 and x is equal to minus 2 are the zeros of the polynomials. चलो वो तो मिल गए. अभी relationship क्या है? sum of zeros. चलो sum of zeros करते हैं. 4 and minus 2 है, उसका मैं sum करूँ तो मुझे मिलेगा 2. Now sum of zeros is equal to coefficient of minus coefficient of x divided by coefficient of x square, ठीक है. चलो कोएफिशिएंट x क्या था वहाँ पे? माइनस 2. सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइनस की साइन रखी. दूसरी बात है कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या आता है यहाँ पे? माइनस 2. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, ठीक है. माइनस माइनस प्लस तो अवर आंसर इज अ 2. नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिकॉज दोनों का आंसर मुझे मिला 2. ए रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गई. अभी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इट विल बी माइनस 8. ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कॉन्स्टेंट टर्म क्या था वहाँ पे? माइनस 8, ठीक है. और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? 1. उसका आंसर आया मुझे माइनस 8. बोथ आर इक्वल. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू constant term divided by coefficient of x square, both are equal and this relationship is verified. Now second, 4s square minus 4s plus 1. सबसे पहले zeros find करना है, फिर जो relationship है zeros और coefficient के बीच में वो हम लोगों को verify करना है. यहाँ पे 4 multiplied by 1 is equal to 4. तो ऐसे दो number find करना है जिसका मैं multiplication करूँ तो मुझे 4 मिले और एडिशन करो तो मुझे मिलेगा माइनस 4. तो 4 वन ज़ा 4, तो माइनस 4 एस माइनस एस तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? सॉरी 2 टू ज़ा 4, माइनस 2 एस माइनस 2 एस तो हो जाएगा अपना माइनस 4 एस, इस तरह से, ठीक हो. इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2 एस और यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस 1 लाइक दिस, ओके. इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 2s माइनस 1, ठीक है. तो 2s माइनस 1 में कॉमन निकाल तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2s माइनस की साइन और यहाँ पे 1, इस तरह से, ठीक है. नाउ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इक्वेशन इज
1 upon 2 and 1 upon 2. Now sum of 0 is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 2. It will be 1. Now sum of zeros is equal to minus coefficient of s divided by coefficient of s square. ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ s क्या होगा यहाँ पे है माइनस फोर. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ s square क्या है यहाँ पे फोर. माइनस माइनस प्लस, फोर बाय फोर इट विल बी वन. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s square. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट विल बी वन अपन टू मल्टीप्लाई बाय वन अपन टू. इट्स इक्वल टू वन अपन फोर. नाउ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s square. कॉन्स्टेंट क्या होगा यहाँ पे वन एंड कोएफिशिएंट ऑफ s square क्या होगा फोर. दोनों इक्वल आ गई, मीन्स ये जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गई. प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ s square. थर्ड वन इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स. देखो यहाँ पे हम लोगों को जीरोस फाइंड करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है. टर्म्स है, मैंने टर्म्स की प्लेस चेंज कर दी, ठीक है. सिक्स थ्री जा एटीन. एटीन को मुझे इस दो नंबर फाइंड करना है जिसका मैं प्रोडक्ट करूँ तो मुझे एटीन मिले और उसका मैं सम करूँ तो माइनस सेवन मिले. तो नाइन टू जा एटीन, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स में माइनस सेवन एक्स की प्लेस में लिख सकते हो, आप लोग देख सकते हो. माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई टू माइनस एटीन एंड माइनस नाइन प्लस टू इट विल बी माइनस सेवन. इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे थ्री एक्स और यहाँ की क्या कॉमन निकलेगा वन. ओके कॉमन निकल गया, टू एक्स माइनस थ्री दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बचेगा थ्री एक्स प्लस वन. इस तरह से नाउ द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इक्वेशन आर, देखो थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपन थ्री एंड टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू थ्री अपन टू. नाउ सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस वन अपन थ्री प्लस थ्री अपन टू इट विल बी सेवन अपन सिक्स. नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ माइनस की साइन मैंने यहाँ पे ऐसे टिक रख दी. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था माइनस सेवन और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था सिक्स. माइनस माइनस प्लस देन सेवन अपन सिक्स विच इज अवर आंसर. नाउ दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस वन अपन थ्री और थ्री अपन टू है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, मुझे आंसर मिलेगा माइनस थ्री अपन सिक्स. ओके नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या था थ्री, ठीक है. माइनस थ्री कॉन्स्टेंट टर्म था और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था सिक्स. तो क्या हुआ दोनों सेम हो गए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस थ्री अपन सिक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री अपन सिक्स. मीन्स दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. नाउ फोर नंबर फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है फोर यू, ठीक है. क्या बच रहा है यू प्लस टू, तो यहाँ पे हम लोगों का जीरोस हो गए दो जीरोस जीरो एंड माइनस टू. देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इक्वेशन इज आर जीरो एंड माइनस टू. नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस टू इट विल बी माइनस टू एंड सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ यू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर. चलो माइनस की साइन आगे रखना है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है. ना कोएफिशिएंट ऑफ यू क्या है यहाँ पे एट और कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है फोर. एट अपन फोर और माइनस की साइन आगे लगा देना है, माइनस की साइन को भूलना नहीं है वरना आंसर गलत होगा, रिलेशनशिप वेरीफाइड नहीं होगी. तो क्या आंसर आ रहा है माइनस टू. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जीरो मल्टीप्लाई बाय माइनस टू इट विल बी जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर. देखो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या था कुछ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया और कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है फोर. जीरो अपन फोर इट विल बी जीरो. नाउ दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. नाउ फाइव टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन.
Now t square minus 15 means t square is equal to 15 and t is equal to pressure minus root 15. तो t के दो zeros मिल गए हैं plus root 15 and minus root 15. देखो therefore zeros of polynomial equation are plus root 15 minus root 15. अभी sum of zeros is equal to root 15 plus minus root 15, it will be 0. ठीक है. Now sum of zeros is equal to coefficient of t divided by coefficient of t square. Minus की sign रखना है आगे. यहाँ पे t कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो t का coefficient क्या होगा? 0. And coefficient of t square क्या होगा? 1. तो मैंने 1 रख दिया. यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 0. ठीक है. Means sum of zeros is equal to minus coefficient of t divided by coefficient of t square. Now product of 0 is equal to root 15 multiplied by minus root 15. It will be minus 15. Okay. Now product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of t square. ठीक है. Constant term क्या था वहाँ पे? Minus 15. And coefficient of t square क्या था? 1. Minus 15 upon 1, it will be minus 15. Means relationship is verified. Now 6. 3x square minus x minus 4. ठीक है. यहाँ पे हम लोगों को zeros find करना. We have to find zeros of the given polynomial. 3 4s are 12. 3 multiplied by minus 4, it will be minus 12. तो minus 12 का मुझे इस तरह से दो number find करना है, जिस दोनों का मैं multiplication करूँ तो मुझे मिले minus 12, और addition या subtraction करूँ तो मुझे मिले minus 1. ठीक है. इस तरह से देखो, 3 4s are 12, minus 12 हो गया, minus 4 multiplied by 3, it will be minus 12, and minus 4 plus 3, it will be minus 1. इस तरह से दो प्लाट में split कर देना, middle term splitting method. ठीक है. यहाँ से common निकल रहा है x, और यहाँ से common निकल रहा है 1, वो मैंने निकाल दिया. 3x minus 4 है, दोनों में से common निकलेगा, क्या बचेगा? 3x minus 4, x plus 1, इस तरह से. ठीक है. Now zeros is 3x minus 4 is equal to 0, is it? Then x is equal to 4 upon 3 and x is equal to minus 1. Now zeros of polynomial equation 3x square minus x minus 4 are 4 upon 3 and minus 1. Sum of zeros is equal to minus 4 upon 3 and plus 1. ठीक है. इस तरह से देखो, इसका मैं सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 upon 3. Now sum of zeros is equal to coefficient of x divided by coefficient of x square. Coefficient x क्या है यहाँ पे? 1. And coefficient of x square क्या है? 3. Now product of zeros 4 upon 3 multiplied by minus 1. दोनों का मैं multiplication करूँ तो क्या मुझे मिलेगा? Minus 4 upon 3. ठीक है. Now product of zeros is equal to constant term divided by coefficient of x square. ठीक है. कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? माइनस 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 3. बोथ आर इक्वल, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ सेकंड, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिव. ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आप लोग फाइंड करो जिसका इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम. वहाँ पे दो जीरो से उसका सम दिया हुआ है, दो जीरो से उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है. उन दोनों में से हम लोगों को फाइंड करना है क्वाड्रिक पॉलीनोमियल. यहाँ पे 1 अपन 4 है, वो है सम, सम ऑफ द जीरो, एंड माइनस 1 इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. तो उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला है. देखो, from the formula of sum and product of zeros, we know that sum of zeros is equal to minus alpha plus beta and product of zeros is equal to alpha multiplied by b. ठीक है. alpha and beta क्या है? zeros है. और उसका जो minus alpha plus beta इस तरह से sum करना है, और product of zeros होगा alpha multiplied by b. means alpha plus beta क्या होगा? 1 upon 4 and alpha multiplied by beta होगा minus 1. इस तरह से. ठीक है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू माइनस 1.
Now, if alpha and beta are zeros of any quadratic polynomial, then the quadratic polynomial equation can be written directly x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to zero. Means कोई भी आप पॉलिनोमियल है उसके आप लोग जीरोस फाइंड कर लोगे, जीरो आपको पता है, उसका एडिशन करो और यहाँ पे रख दो और उसका मल्टीप्लिकेशन करो और यहाँ पे रख दो, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, वो सिर्फ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए ही है। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या था यहाँ पे, वन अपन फोर, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या था माइनस वन, मैंने यहाँ पे रख दिया, फोर यहाँ पे आएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, विच इज अवर क्वाड्रिक फॉर्मूला अभी जो पॉलीनोमियल का फॉर्मूला है उसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वो रख देगा इस तरह से। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या यहाँ पे था रूट टू एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या था वन अपन थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री है उसको मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगी इस तरह से, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। ओके, नाउ थर्ड जीरो एंड रूट फिफ्टीन, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू रूट फाइव, पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन द गिवन फॉर्मूला ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या था वहां पे जीरो एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या था रूट फाइव। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जीरो हो जाएगा प्लस रूट फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो विच इज अ क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। नाउ फोर वन वन, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, पुट द वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इन द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच इज अ क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। नाउ फाइव नंबर, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपन फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू वन अपन फोर, बस इसमें रख देना है इस तरह से। और यहाँ पे देखो माइनस फोर है माइनस वन अपन फोर, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे फोर है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। नाउ सिक्स नंबर, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू वन, पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच इज अ क्वाड्रिक पॉलीनोमियल। Now my topic is over. Please share this video to your friends, your colleague and your relatives. Thank you very much.